18 बाला साहेब का बहाना, 18 साल बाद खत्म होगा मातोश्री से राज ठाकरे का सियासी बनवास। क्या 18 साल बाद मातोश्री की सियासत से राज ठाकरे का बनवास खत्म होगा? क्या उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को साथ लाएंगे? महाराष्ट्र की सियासत में पिछले एक महीने में दूसरी बार इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। हाल ही में शिवसेना UBT सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के एक बयान ने इन अटकलों को और बल दे दिया। जब उन्होंने रात से फोन पर बात करने की बात कही, पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मन से प्रमुख से बात करने के लिए फोन मिलाना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट है कि राज मेरा फोन उठाएंगे या नहीं। उद्धव ने यह भी कहा कि बाला साहेब से जुड़े कुछ सामान लेने के लिए मैं राज से मिलना चाहता हूं। सार्वजनिक तौर पर भले उद्धव किसी और वजह का जिक्र कर रहे हो, लेकिन अंदर खाने ये अटकलें तेज हैं कि उद्धव और राज के बीच जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। 2005 में उद्धव की ताजपोशी से नाराज राज ने शिवसेना का दामन छोड़ दिया था और बाद में खुद की पार्टी बना ली। 3 एक्शन जिसने दोनों के साथ आने की अटकलों को मजबूत किया। नंबर 1, संजय राउत के साथ मनसे नेता की मीटिंग। 6 जुलाई को राज ठाकरे की पार्टी मनसे के अभिजीत पानसे और संजय राउत के बीच सामना दफ्तर में मुलाकात हुई। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 1 घंटे से अधिक बातचीत हुई। मीटिंग के बाद पानसे ने कहा कि गठबंधन का हम कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आए थे। संजय राउत ने अन्य मुद्दों पर बातचीत की। पानसे राज ठाकरे के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। वहीं राउत उद्धव के किचन कैबिनेट के सदस्य हैं। संजय राउत से मुलाकात कर पानसे सीधे राज से मिलने पहुंचे। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई। नंबर 2, कार्यकर्ताओं ने लगाया पोस्टर, राज हंसने लगे। अभिजीत पानसे और संजय राउत के बीच मुलाकात के बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह दोनों भाइयों के साथ आने का पोस्टर लगा दिया। इस पर ना तो मनसे ने सफाई दी और ना ही शिवसेना ने। इतना ही नहीं, 14 जुलाई को मुंबई में पत्रकारों ने जब राज से साथ आने को लेकर सवाल पूछा तो राज ने मुस्कुरा दिया। उद्धव के साथ आने के सवाल पर राज ने कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया। राज की प्रतिक्रिया से भी इन अटकलों को और अधिक बल मिला। नंबर 3, दो हर्षल के बीच मुलाकात। मराठी अखबार लोकमत के मुताबिक हाल ही में राज ठाकरे के प्रचार प्रमुख हर्षल देशपांडे और उद्धव के मीडिया प्रमुख हर्षल प्रधान के बीच मुलाकात हुई थी। हालांकि दोनों का कहना है कि यह मुलाकात गठबंधन को लेकर नहीं थी। हर्षल प्रधान ने अखबार को बताया कि हम मनसे नेता से मिले जरूर थे, लेकिन मसला बाला साहेब ठाकरे से जुड़ा हुआ था। प्रधान के अनुसार शिवाजी पार्क के पास बाला साहेब का एक मेमोरियल बनाया जा रहा है, जहां उनसे जुड़ी चीजें रखवाई जानी है। प्रधान ने आगे बताया कि राज ठाकरे के पास 1970 दशक के कुछ टैप रखे थे, जिसे पाने के लिए हमने उनसे बात की थी। राज की जरूरत उद्धव को भी, दो वजह, शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे कोई कमाल नहीं कर पाए हैं। राज ठाकरे की पार्टी शुरुआत में 2-4 सीटें जीतने में कामयाब भी हुई, लेकिन बाद में ज्यादा सफलताएं नहीं मिली। जानकारों के मुताबिक शिवसेना कोर वोटर्स राज के साथ नहीं आ पाए। शिवसेना विवाद के वक्त बीजेपी की ओर से राज ठाकरे को खूब भाव मिला, लेकिन बाद में सरकार में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज ठाकरे व शिवसेना UBT के साथ आ सकते हैं। उद्धव को भी राज की जरूरत। नंबर 1, उद्धव का जनाधार किसका, सिंबल भी छीना। बाला साहेब ठाकरे के वक्त शिवसेना का मजबूत जनाधार कोकड़, नासिक और मुंबई थाने में था। पिछले चुनाव में भी इन इलाकों में शिवसेना का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन शिवसेना में टूट के बाद उद्धव यहाँ कमजोर हो गए।